सो वी विल स्टार्ट ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। अभी जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, याद है पॉलिनोमियल्स? अभी तो एग्जाम दिया तुम लोगों ने सर, ये नहीं आया था सर, बट याद है सर। है ना, याद है ना? तो आइडेंटिटी का मतलब वहां पे मैंने बताया था तुम लोगों को कि हाँ जी बेटा आइडेंटिटी क्या होता है। सो व्हाट इज आइडेंटिटी? यस टेल मी, आइडेंटिटी क्या होता है? वहां पे हमने एक्चुअली एक डिस्कशन करी थी, व्हाट इज अ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, उसमें हमने बात करी थी। इक्वेशन आइडेंटिटी, इन दोनों में फर्क होता है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज अ इक्वेशन। इफ आई से x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दिस इज अ आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी वो चीज होती है, मतलब आइडेंटिटी ऑफ कोर्स इज नॉट अ इक्वेशन, वो एक्सप्रेशन जो हर एक्स वाई की वैल्यू के लिए ट्रू होल्ड करेगा। यहाँ पे एक्स को कुछ भी रख दो, वाई को कुछ भी रख दो, ये हमेशा ही ट्रू है, ये हमेशा सच है। पर ये जो है इक्वेशन, ये सिर्फ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए ट्रू है। सो दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज आइडेंटिटी। सो आई होप आपको ये थोड़ी सी बातें मेरी याद हैं, अगर नहीं आ तो उसको रिकॉल कर लिया हमने। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग कुछ मेन आइडेंटिटीज, इसका नाम ही इसलिए ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब हम यहाँ पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो कि हर थीटा के लिए, हर एंगल के लिए ट्रू है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को बताए ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, यू पीपल नो दिस वेरी वेल, राइट? सो इफ आई से ऐसे ना ट्रिग्नोमेट्री में भी, ट्राइगोनो में भी हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि आइडेंटिटीज हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट डू वी कॉल दिस? ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इफ आई से ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनको हम आइडेंटिटीज ही बोलते हैं ना। यस सर, इनको हम आइडेंटिटीज ही बोलते हैं। याद करो बचपन में हमें ये सिखाया जाता है, दीज आर द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब जो हर वैल्यू के लिए ट्रू है, हर वैल्यू के लिए। ठीक है, ऐसी अब हम ट्रिग्नो की भी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ट्राइगोनो में भी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो कि हर थीटा के लिए ट्रू रहती हैं, तो वो रिजल्ट्स हैं हमारे पास। आपने बस बेटा थोड़े से रिजल्ट याद रखने हैं। सबसे पहला रिजल्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है पहला रिजल्ट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनके प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं करवा देता प्रूफ, बिकॉज प्रूफ्स आर वेरी लेंथी, सो आप लोगों के लिए मुश्किल होंगे ये, तो इसलिए वो सिलेबस में नहीं है। सो फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द थर्ड वन इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपने याद रखने, इनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इतनी बात क्लियर होगी? तो बुक में अगर आप पढ़ोगे तो और भी काफी सारी दी होंगी, बट हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी मैनिपुलेशन से वो बनती है। आपने बस ये तीन याद रखनी है, जिसको ये तीन याद है बस, ठीक है, वेल एंड गुड, गुड इनफ। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, आप एक चीज और बताओ, मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस? यस सर। याद है ना? वन, यस सर, वन आएगा सर। हाँ बेटा, वन नहीं, वन कैसे? साइन अपॉन कॉस वन थोड़ा होता है। यस, तो पीछे लिखा, यस सर पीछे लिखा था। ठीक है, एंड कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। ये याद है ना सारी चीजें? yes. फटाफट से रियायत कर लेते हैं। साइन क्या होता था बेटा? पी बाय एच। एच व्हाट इज कॉस थीटा? बी बाय एच। बी बाय एच व्हाट इज टेन थीटा? पी बाय बी। पी बाय बी टेन का उल्टा इज कॉट व्हिच इज बी बाय पी, है ना? कॉस का उल्टा इज सेकेंट व्हिच इज एच बाय बी, राइट? एंड सिमिलरली साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट थीटा व्हिच इज एच बाय बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। ऐसे अगर आप टेन को देखो, यहाँ पे देखो बेटा टेन क्या? पी अपॉन बी। तो टेन को मैंने लिखा साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है? पी बाय एच। व्हाट इज कॉस? बी बाय एच। एच एंड एच कैंसिल आउट, पी बाय बी आ गया ना, तो इसीलिए हम साइन को लिख पाते हैं साइन अपॉन टेन को लिख पाते हैं साइन अपॉन कॉस। क्लियर?
यस सर। गुड इनफ एवरीबॉडी। सो ये दो yes, sir. ये बस ये आपको अगर फॉर्म पे आ गए तो आपको ये चैप्टर आ गया। डन। अगर आपको ये फॉर्मूलाज आ गया आपको ये चैप्टर आ गया। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल बेसिक से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये फॉर्मूले लगाने आ जाएं कि फॉर्मूले लगाते कैसे हैं। शैल वी स्टार्ट? तो पेपर में बेटा इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पेपर में मान लो बेटा ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने इसको प्रूव करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग, हम करेंगे क्या प्रूफ में, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, RHS, इसको हम LHS भी बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, हमेशा टेक LHS, LHS लोगे और उसको प्रूव करोगे RHS के बराबर। तो अगर आप LHS लेते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHS, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है? ऊपर चलो, ऊपर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो इसका मतलब क्या है, अगर आप साइन स्क्वायर को उस साइड फेंक दो तो कॉस स्क्वायर यहीं पे रहेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos square theta, इसको आप equation 1 नाम दे दो, equation 2 नाम दे दो, put value of 2 in 1, if you substitute the value of 2, मतलब 1 minus sin square जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख दो, cos square in the equation 1, और ये साथ में secant square पड़ा। आगे देखिए, अब हमें पता है what is your secant theta, secant theta is 1 upon cos theta, sir, yes बेटा सर ऊपर वाला फिर से बता दीजिए सर। हाँ देखो, हमने क्या करना है बेटा, इस चीज को प्रूव करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम मैंने पहले ये बताया कि इसको हम LHS बोल देते हैं, इसको हम RHS बोलते हैं, ठीक है। जब भी प्रूव करना होता है, प्रूव करने का मतलब ये दोनों चीजें बराबर है आपस में, ठीक है। तो जब भी ये चीज आपने जिंदगी में प्रूव करनी है कहीं पे भी मैथ्स में, आपने क्या करना है, LHS उठा लेना, ठीक है। LHS ये आप ऐसे कर सकते हो ना, LHS उठाया और RHS प्रूव कर दिया, कुछ कुछ चीजों के बाद आपने बोला यस दिस इज इक्वल टू RHS। या फिर आप क्या कर सकते हो, RHS उठा लो और उसको प्रूव कर दो LHS के बराबर, कुछ भी चीज कर, मतलब वन ऑफ द सिनेरियो यू कैन फॉलो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो बेटा, RHS उठाने का तो फायदा ही नहीं है, वन से आप ये चीज कैसे बनाओगे, नॉट पॉसिबल है ना। बट आप क्या करो, LHS उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, राइट, एंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एनी डाउट्स क्लियर? यस। एनी डाउट्स? यस सर। सर ये जो लिखा है सर, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर कॉस स्क्वायर थीटा सर इक्वल टू 1 लिखा सर, ये नहीं समझ में आ रहा सर। हाँ बेटा, ये ऊपर देखो बेटा, हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, ये तो है, हमने बोला ना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, एवरीथिंग राइट। ऐसी यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री में भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, ये देखो फॉर्मूला की लिस्ट है, ये पूरी ये फॉर्मूले हैं, ये मतलब ये याद रखने आपने, राइट, यस सर, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें पता है, यस सर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यस सर आ गया, दिस विल 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर, सो जस्ट यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख दो, कॉस स्क्वायर इनटू सेकेंट स्क्वायर। अब बेटा सेकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो सेकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सो 1 कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा बेटा, तो 1 1 जिस वो जो क्या वो RHS के बराबर है, यस सर, जस्ट सी, यस दिस इज इक्वल टू RHS। तो आपने LHS उठाया और उसको किसके बराबर प्रूव कर दिया, RHS के बराबर, एंड हेंस प्रूव। क्वेश्चन समझ आया कैसे चलते हैं हम इसमें, यस yes. मतलब थोड़ा सा पता लगा, कुछ भी डाउट है पूछो सर। ये जो सर
थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos इज ये भी फार्मूला है ना सर? बिल्कुल बेटा, यहां पे देखिए sin इज दिस, sin का उल्टा cosecant होता है, cos का उल्टा secant होता है, tan का उल्टा cot होता है, यही तो लिखा है मैंने। secant किसका उल्टा है? cos का। Trigonometry is all about formulas. You have to learn the formulas. और इससे ऊपर कोई formula ही नहीं आपके syllabus में। अगर मैं आप लोगों को formulas की list गिनाऊंगा ना plus one के formulas की, आप लोग हिल जाओगे। इतने सारे formula होते हैं plus one में याद करने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो कि एक समुंदर भरा है, उसमें से बस इतना सा हिस्सा ही है। ठीक है? तो इन formula को अच्छा से याद कर लो तुम लोग। Right? Okay. Yes, sir. So, आगे एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, ओके, cos square theta into 1 plus tan square theta is equal to 1. तो इसमें भी हम क्या करेंगे? LHS उठा लें। What is your LHS? Cos square theta into 1 plus tan square theta? Yes, sir. बेटा, tan square का कोई फॉर्मूला याद है? अभी हमने करा था, recall. Yes, sir. बताओ क्या होता है फॉर्मूला? सर साइन स्क्वायर सर साइन थीटा सर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सर कॉस। नाउ मैन डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, सी वी हैव ओनली थ्री फॉर्मूलास। जब टेन आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकेंड वाला लगेगा बस। सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज वन। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पहले कि हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। मेरे को भी इसकी बेटा वैल्यू चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर की, तो tan को उधर फेंक दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब आपने 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, उसकी वैल्यू क्या निकाल ली? secant स्क्वायर। तो मतलब LHS में जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है, आप उसमें क्या लिख दोगे? secant स्क्वायर। यस सर, और हो जाएगा सर। secant क्या होता है? 1 अपॉन cos। तो secant स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर। So this will be cos square into 1 upon cos square, which is 1, which is equal to right hand side. So LHS is equal to RHS, and hence clear with this? कोई doubt है तो पूछो। Yes sir, okay. समझ आ गया? Yes sir. So, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अब आप बताओगे मेरे को हम कैसे करेंगे इसको। ये प्रूव करना है cos square theta plus 1 upon 1 plus cot square theta is equal to 1. ये प्रूव करना है बेटा। तो हम सबसे पहले स्टेप क्या रहता है बेटा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक बोलो LHS बोलो बेटा LHS सर। इसको इसकी वैल्यू लिख दी मैंने सर। इसको सर 1 अपॉन सर जो सर cos है सर, इसको सर हम cos, तो इसको सर हम लिख सकते हैं थीटा माइनस tan cot स्क्वायर सर 1 होता है। यस यस, तो secant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा व्हिच विल बी cosecant स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने वैल्यू निकाल ली ना 1 प्लस cot स्क्वायर की, ये हमें पता है, ये हमारे पास फार्मूलाज है। ये फार्मूला था, इसमें से मैंने क्या किया, cot को उस साइड फेंक दिया, ये मेरे पास cosecant स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, सो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे बताओ? सर इसकी जगह सर cos स्क्वायर थीटा cos x सर cos x। यस, cosecant स्क्वायर थीटा। यस, एंड व्हाट इज cosecant? 1 अपॉन sin होता है या नहीं होता? अब हमें ये कैसा पता लगेगा कि भाई यहाँ पे ये लगाना है, क्योंकि हमने इसको किसके बराबर प्रूव करना है? 1 के बराबर प्रूव करना है ना? और हमें पता है साइन के साथ कॉस स्क्वायर के साथ क्या जुड़ेगा कि 1 बनेगा? बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1, वो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा ही होता है ना, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच वी हैव लर्न टुडे। यस सर, यस सर, राइट। तो वहां से हमारे पास एक मोटिवेशन आएगी कि यहाँ पे कोसेकेंट तो आ गया, अब कोसेकेंट को साइन में बदल दो। ठीक है, एंड वंस यू आर डन विद दिस, बस आपको बताइए व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूव। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, इसमें कुछ टफ है? देयर इज नथिंग व्हिच इज टफ सर। You have to remember the formulas, हाँ जी बच्चे। Yes बेटा। सर एक बार फिर
सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास cos square theta plus 1 upon 1 plus cos square theta is equal to 1, ये हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस cos square theta plus 1 upon 1 plus cos square theta, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास cot square है, तो cot square वाला कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने वो याद रखना है, एक ही। देखो cot square का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना, कोई ऐसा तो नहीं है, मिक्स तो नहीं हो रहे ना, जैसे इसमें साइन और कॉस है, इसमें सीकेंड और टैन है, इसमें कोसेकेंड और कॉट है, कहीं पे मिक्सचर तो नहीं है ना किसी का। तो जब भी कॉट आएगी तो आपके पास ये वाला दिमाग में आना चाहिए कि यस कॉट स्क्वायर आया। जब आप विद टाइम प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में आने लग जाएंगे ये चीजें, ठीक है। बट यस दिस इज द फॉर्मूला विच इज हैविंग कॉट स्क्वायर, जिसमें कॉट स्क्वायर पड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको लिख लिया कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा। सो उसके बाद मैंने कॉट स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गया, यहाँ माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल दी, कोसेकेंट स्क्वायर कोसेकेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन इसकी जगह लिखा कोसेकेंट स्क्वायर। अब मेरे को पता है व्हाट इज कोसेकेंट थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, राइट। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इसकी जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, 1 अपॉन sin स्क्वायर, तो ये साइंस के ऊपर चल जाएगा, यू आर मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे तो 1 ही रह जाएगा, यस सर, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, व्हिच इज सो 1, यस सर। एनी डाउट, नो सर, शैल वी मूव आगे चलें, यस सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, LHS लेंगे सर, यस। इसमें RHS नहीं ले सकते, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर से आप ऐसी ये फ्रैक्शन वाली चीजें कैसे बनाओगे, है ना। सो हम लोग LHS लेकर चलेंगे, देखेंगे कुछ हो पाता है नहीं हो पाता, सर इसमें हो जाएगा सर फिर 1 अपॉन सर cos हो जाएगा सर, cos स्क्वायर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब बताओ नाउ सर इसमें सर 1 प्लस sin की सर वैल्यू रखेंगे सर आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर। बेटा 1 प्लस sin की वैल्यू कैसे आप बोल रहे हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin, व्हाट इज द फार्मूला है सर, टेल मी सर। जो फार्मूला है सर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन प्लस कॉस नहीं है, ये नहीं है, स्क्वायर है बेटा, क्लियर। दिस इज नॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1, नो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। सो मतलब एक चीज तो है, ये तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब अगर कुछ नहीं दिखता ना, क्या करो, एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये यहाँ चला जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, बेटा बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर, a plus सर a square minus b square, you have to remember the formulas, mathematics is all about formulas also, if you are not knowing the formulas how will you proceed, so this is a square minus b square, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1 minus sin square theta, yes sir। अब बताओ 1 minus sin square theta क्या होता है, अब हमें पता है कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so which implies That 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा, cos square theta, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 upon cos square, अब 1 upon cos क्या होता है, secant, तो ये आ गया ना, which is equal to 2 into secant square theta, which is equal to right hand side, so LHS is equal to RHS, and hence proved, समझ आ गया, बेटा समझ आ गया सर, एक बार और सर बता दीजिए, बताता हूँ
देखो बेटा, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। यस सर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, ये लिख लिया। उसके बाद बेटा एलसीएम ले गया हमने, तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती है, दैट इज हाउ वी टेक द एलसीएम ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस है हमारे पास, इनटू 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, सो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर को आप उस साइड टाइम दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉस, 1 अपॉन कॉस दैट इज सेकंट, तो ये आ जाएगा ना 2 इनटू सेकंट स्क्वायर थीटा, और यही तो हमने प्रूव करना था। यस सर, क्लियर। सो देखिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सो आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू सेकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपने प्रूव करना है। तो बेटा बताओ अब हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेते हैं। यस, व्हाट इज योर एलएचएस? यस सर, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा मेरे को भी ये चीज बताओ, सीकेंट और कोसेकेंट में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं आपस में, है ना? अब आप देख सकते हो ऊपर भी, सीकेंट और कोसेकेंट में थोड़ा ना कोई फॉर्मूला है, सीकेंट और टैन में, सीकेंट और कॉट में, सीकेंट और कोसेकेंट में आपस में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये चीज पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो बेटा, सर इनको सर फिर निकालेंगे सर जो माइनस का सर। हाँ, तो इसके लिए हम पता क्या करेंगे, हमें ये पता है सीकेंट को कोसेकेंट किसका उल्टा होता है। यस सर, बताओ कोसेकेंट इज 1 अपॉन, बताओ सर 1 अपॉन सर कॉट, नो, व्हाट इज कोसेकेंट, 1 अपॉन व्हाट अनुज? सर एक मिनट, व्हाट इज कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है बेटा, बेटा कोसेकेंट देखो ना साइन का उल्टा होता है, सेकेंट कॉस का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, राइट। सो व्हाट इज कोसेकेंट, 1 अपॉन साइन, व्हाट इज सेकेंट, 1 अपॉन कॉस, क्लियर है यहां तक? देखो भाई मैं तुम लोगों को पढ़ा सकता हूँ, बट फॉर्मूलाज नहीं मैं तुम्हारे लिए याद कर सकता, वो तुम्हें खुद याद करने पड़ेंगे। यस सर, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज बेटे। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे सेकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बेटे इसका एलसीएम क्या होगा बताओ, सर साइन स्क्वायर बाय साइन, हां साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, यस सर, क्या हो जाएगा कॉस सर, आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, यस सर, अभी देखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर, यस सर, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेकेंट स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई हटा रहा हूँ, यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर इंटू दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, and hence proved. Clear with this topic? समझ आया कैसे करें? Yes sir. Okay. So आज इतना ही करते हैं फिर, है ना? क्योंकि तुम लोगों का कल एग्जाम भी है, तो ज़्यादा हैवी नहीं करते, बस ऐसे करना। देखो बेटा 5 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, सिर्फ 5, 25 मिनट की क्लास लगाई है मैंने, है ना?